सो गाइस अभी हम ना उत्तराखंड में थे ऋषिकेश के अंदर और आगे देखो लैंडस्लाइड हो गई पूरी। तो भाई फंस गए यहाँ, तो पूरा लैंडस्लाइड हो गया पूरा, वहाँ तक पूरा ऊपर देखो खाली हो गया पूरा, पूरा लैंडस्लाइड हुआ है, रास्ता बंद ही है ऑलमोस्ट। देखते हैं भाई क्या होता है। भाई यहाँ का हम नज़ारा देख रहे हैं, इतना अच्छा नज़ारा लग रहा है, मतलब मेरा मन हो रहा है कि यहाँ पे ना मैं ऊपर और ऊपर और ऊपर जाता जाओ, जहाँ तक पहाड़ जा रहे हैं वहाँ तक जाता रहा हूँ। चला जाएगा भाई हमारा अगली ट्रिप और ऊपर सही में धारो ऊपर, इतनी हरियाली है, इतना सब कुछ है, देखो देख रहे हो कितना नीचे बादल, देखो नीचे बादल वो दिखा दिए भाई, देख रहे हो नीचे से बादल ऊपर आ रहे हैं, मतलब नीचे से बादल ऊपर आ रहे हैं, सोचो वेदर खराब हो रहा है, हम कितने ऊपर होते, नीचे वो हेलीपैड है, देख रहे वो नीचे हेलीपैड है, लेकिन यार यहाँ का व्यू मेरे को इतना सही, इतनी अच्छी शांति ऊपर कि मन करा बस यहीं पे तंबू लगाऊं और यहीं पे रह जाऊं जिंदगी भर के लिए, इतना अच्छा लग रहा है। बट यार चलते हैं ठीक है, तो यहाँ से ट्राई करते हैं, उसके बाद पहुँचेंगे गौरीकुंड, फिर उसके बाद सोनपुर, तो आज रात रात में वहाँ तक पहुँच रही है। जतिन का मन हो गया यहाँ पे घर बनाने का, जतिन बनाना घर, इससे को सारे घर बने हुए हैं ना, जतिन कह रहा मैं भी घर बनाऊंगा, कह रहा मेरा घर रेनोवेट करवाना है मैंने। कौन सा वाला है ये वाला भाई, जतिन सर देख लो, कभी मिलना हो तो इसी घर पे आना ठीक है, जतिन आपको यही मिलेगा। मैं भी बना लूँ क्या? हाँ भाई बिल्कुल बना ना, बना लो बिल्कुल बनाओ यार, कहाँ पे पत्थर पता कहाँ है। तीसरा फ्लोर ही खड़ा हो गया भाई, चौथा बस, पांचवा, पांच फ्लोर की मेरी बिल्डिंग है, कभी मुझसे मिलना हो यहाँ पे आप आ जाओ ठीक है। और पीछे आ रहा भाई खच्चर जतिन जी, ये है पुलकित गुलाटी भाई, देख लो इतनी ऊंचाई, देख लो पुलकित आ गया ऊपर, देखो तो सीधा जा रहा भैर बाबा। सो गाइस इन सब ने वीडियो लगवा लिया है ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं 20 रुपए में लग जाता है आपका ठीक है, तो ये सब जा रहे दर्शन करने, हम दर्शन करने आ चुके पहले तो, बट ना हम एक चीज भूल गए, जल भरना भूल गए, तो हम जल ऊपर जल भरने के लिए जा रहे हैं यार, आप भी आना याद रखना, जल भरना जरूर, जो मिलते हैं ना छोटे उसको भर के ले जाना ऊपर से, हम भूल के दोबारा ऊपर जा रहे हैं भरने के लिए। इतनी पास हेलीपैड है, हमें हेलीपैड है, क्या हुआ क्या हुआ, गाय नहीं है भाई, बैल है, बैल गाय छोटी है कुत्ते बड़े हैं। तो भाई ये मैं कह रहा था कि केदारनाथ जो लोग नहीं उनको पता नहीं होगा, यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड होते हैं ठीक है, और इतनी पास देख रहे हो आपने सामने, इतनी पास आपको हेलीकॉप्टर दिख जाएंगे। हम तो रात को ऊपर चढ़े थे तो दिखा नहीं पाया, ये देखो दिन में कैसा लगता है, यहाँ पे टेंट वगैरह देख रहे हो कैसे लगे हुए हैं, इनमें रुके तो लगभग 7 बंदे थे, हमारा 1200 का बता रहे थे खर्चा। शुभम स्टंट करता हुआ वो देखो, वो शुभम जा रहा है वहाँ पे, वो जो चमक रहा है ना ये, यहाँ से इसको मना किया मत जा, देखो कितना डेंजरस रूट है, देखो वो जा रहा है और आगे जंगल रास्ता है नहीं, पता नहीं कुछ भी आगे चला गया, गायब हो गया रास्ते में। गाइस अभी मैं आ गया हूँ नीचे होटल के पास ठीक है, और भाई सारे अभी मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, उनको भी लगेंगे लगभग 4 से 5 घंटे, लेकिन मैं नीचे पहले आ गया क्योंकि अच्छे में हो गया, मैंने उनको बीच में बोल दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत स्लो थे, तो मैंने कहा भाई मैं निकल रहा हूँ ठीक है, सबको बोल के निकला, तो एक भाई मुझे बीच में मिल गया यहीं का लोकल था वो भी ठीक है, और काफ़ी भाई अच्छा भाई था, मतलब मुझे बातों में लगा के रखा और मुझे पता ना कब मैं नीचे आ गया, उसके बाद मैंने टैक्सी ली और मैं अभी आ रहा हूँ होटल ठीक है। सो गाइस अभी मैं पहुँच गया होटल में ठीक है, और अभी मेरी लेवल से बात हुई है, वो अभी है तकरीबन 6-6.5 किलोमीटर दूर, तो उनको भी लगेंगे कम से कम 3 से 4 घंटे नीचे आने में, क्योंकि उनकी स्पीड यार बहुत ज़्यादा स्लो है ठीक है। अभी बस ये उस 11:15 और मैं पहुँच चुका हूँ अपने होटल में ठीक है, और भाई अभी लग रही है मेरे को बहुत तेज भूख और नींद भी आ रही है और भाई पैर भी दर्द हो रहे हैं ठीक है, लेकिन एक मेरे से गलती हुई छोटी सी, जो मेरे पास कैश था वो कुछ कैश लवल के पास है और कुछ कैश जो है राहुल के पास रह गया, मैं नीचे आके पहले तो भाई कैश नहीं है मेरा बिल्कुल भी, और मुझे लगी है बहुत तेज भूख, होटल वाले से पता नहीं कहाँ है लड़का आई ना, कुछ भी नहीं पता उसको क्या है क्या नहीं है, तो अभी भाई मैंने कहीं देखा अपने बैग वैग में तो पड़े हैं तकरीबन 100-120 रुपये ठीक है, तो देखते भाई कि इसमें हमें खाना मिल पाता या नहीं मिल पाता ठीक है, और भाई बहुत ज़्यादा थक गया यार सही में, हम बात करेंगे बिल्कुल हर नहीं है, तो ये मैं भाई खाना खाऊँगा और फिर सोऊँगा ठीक है। और हाँ आप सोच रहे हो यार कैमरे की क्वालिटी और
वॉइस की जो क्वालिटी वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, बिकॉज जस्ट बिकॉज की जो मेरा आईफोन है इसकी बैटरी हो गई डाउन, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, 1-2% रह गई है, तो फ़ायदा नहीं उसको चलाने का, ठीक है। उसमें कैमरा भी ऑन नहीं हो रहा, तो मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से जो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को जो बता सकूँ क्या है कैसे है। और आपको पता है गौरीकुंड से सोनपुर के निकला था, तो भाई वहाँ पर बहुत टाइम लगा टैक्सी मिलने, मतलब टैक्सी मिल गई थी, पर क्योंकि यार ऑब्वियस बात है जो भी यात्री हैं वो इस टाइम तो कम ही होते हैं, तो भाई भरने में कम से कम आधा पौना घंटा लग गया, तो वहाँ पर लेट हुआ मैं। और दूसरा वहाँ से जब मैं आ रहा था तो मुझे हमें रास्ते में बाघ मिला, हमारी गाड़ी का आ गया भाई बाघ, बट जो ड्राइवर से गाड़ी रुकी नहीं चलाता गया, बट बाघ भाई आ गया। तो मतलब रात को अगर आप सोचते हो कि भाई जानवर अगर आ सकते हैं तो डेफिनेटली भाई आ सकते हैं, ठीक है। तो ये भाई मैं खाने जा रहा हूँ, उसके बाद सो जाऊँगा, ठीक है, रेस्ट लूँगा प्रॉपर, और कल हम सुबह निकलेंगे दिल्ली के लिए। सो अभी वो लोग आएंगे सो जाएंगे, वो भी आगे थोड़े देर भाई सुबह लोग को कंटिन्यू, ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। तो गाइस ये मंगाया मैंने 50 रुपीज़ का आलू परांठा छोले, सॉरी आलू, तो भाई पानी की बोतल 25 का, 75 में काम हो गया मेरा, 100 रुपये में तो 120 रुपीज़ से, तो मैं खा लूँगा और जाके रेस्ट करूँगा। सो गाइस अभी वैसे रात के 1, ठीक है, और भाई मेरा डिनर हो गया था, और फिर मैं होटल में आया, मैंने गर्म पानी किया, मेरे पैर दर्द हो रहे थे तो मैंने गर्म पानी से पैरों की थोड़ी सिकाई कर ली, फिर मैं नहा धो भी लिया, फ्रेश भी हो गया, ताकि मुझे सुबह जो 6 बजे उठ के भी निकलना हो, तो ठीक है। तो और लवर से मेरी अभी बात हुई है, वो कह रहे हैं अभी 2.5-3 किलोमीटर बाकी है, तो अभी उनको 2 घंटे और तकरीबन लग जाएंगे, 3-3:30 तक पहुँचेंगे वो, हो सकता है सुबह पहुँचे, क्योंकि जो ब्लैर है वो रात को नहीं चलती, ठीक है, तो हो सकता है वो सुबह आए 5-6 बजे। तो अभी भाई मैं अभी नींद पूरी कर लेता हूँ, लवर कह रहा नींद पूरी कर ले दूँ, क्योंकि कल दिल्ली के लिए हमें निकलना है, तो कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो भाई मैं सो रहा हूँ अभी, सो गुड नाइट, और भाई कल हम सुबह निकले दिल्ली के लिए, ठीक है, ओके गाइज, गुड नाइट। सो गाइज गुड मॉर्निंग, हम सब उठ गए थे लगभग 7:30 के आसपास, और हम नाश्ता पानी कर लिया, नहा धो के रेडी हो गए हैं, ठीक है भाई, तो अब निकल रहे हैं हम, गाड़ी में निकाल लिए बाहर, बाकी वेट चल रही है, कुछ बंदा भी पीछे शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं, तो अगर हमें मन में शॉपिंग करना है तो ये गाड़ी साइड लगाऊंगा वापस छाव में, क्योंकि गाड़ी हमारी रहती धूप में, छाव में आऊँगा फिर हम भी चलेंगे शॉपिंग करने, ठीक है। तो हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, अरे आकाश मोटा देखो, मोटा गाड़ी तारा आज, ओए ठोक मत दियो गियर में, मतलब ये गाड़ी है यार, अक्की बारा, अरे खाएंगे अक्की बारा भैया, ओए ओए ले चलनी है, बोल ले चलनी है, अरे भाई मजा आ गया, बाकी एक गाड़ी दूँ मैं शॉप में, और चलते शॉपिंग करने, और आपको देंगे क्या चीज़ कितने की मिल रही है, ठीक है। और भाई मेरा गला भी तक ठीक नहीं हुआ, पकड़ के अभी चल रहा हाथ पकड़ छोड़ दिया, हाथ तुम हाथ पकड़ चल सकती तेरा कौन है तने बच्चा बच्चा नहीं जा रहा क्यों 2 दिन की बात है, कल और परसों की, ना जाते मौसम नहीं थे, ना आते मौसम नहीं था, आज मौसम इतना साफ है, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं आज, इतना साफ मौसम है, और आकाश को आ रहा है उसके बिना हेलीकॉप्टर कर ही नहीं पाया। ये वाले टोटल 4 लिए हैं क्या, ये गोल्डन, अच्छा, और जो ये 4 ये करो 3 ये करो, इसको बड़ा अलग अलग पैक करना, हमने लिए हैं टोटल, अबे तेरा एक ही तो कर लेंगे ना, वो तो आप वहीं पे कर लो, कर लेंगे भाई, घर जाना है साथ में, 7 मिनीचर लिए अलग अलग, ऐसे डाल दूंगा तू बॉक्स से, ये 150 हो गया तेरा, 150 के, तो भाई ये वाले आपके 150 हो गए हैं, और मोहित ने ये भी लिए हैं और ये भी लिए हैं, सबसे छोटे वाला 700 का, जतिन ने भी ले लिया, कितने ले, 400 का, 400 का लिया भाई जतिन ने, सबसे बड़े वाले केदारनाथ मंदिर, शोम तो कुछ लिया है क्या, ले लिया मैंने भाई, ले लिया चले भाई, शॉपिंग वोपिंग हो चुकी है, और अब हम जा रहे हैं वापस गाड़ी, तो राहुल गाड़ी में बैठा हुआ है, गाड़ी गर्म थी, ठंडी कर दी, शॉपिंग वोपिंग कर रही, लेवल ने भी मैंने कुछ नहीं लिया, तो लो भाई आगे हम गाड़ी में महाराज, अब दिल्ली के लिए, ठीक है, पहुँच के फिर करते हैं जी। तो गाइस ये खड़ी है हमारी गाड़ी, और हम अभी उनके एक कैफ़े में, टर्टल माई प्लेस कैफ़े में रुके हैं, यहीं है उत्तराखंड में, यहाँ पे बैठे हैं सारे, ऑर्डर कर दिया हमने, यहाँ पे सब बैठे हुए हैं,
पार्किंग ऑर्डर कर दिया बर्गर में बहुत अच्छा था मोहित अच्छा है कोल्ड कॉफी भी बहुत ज़्यादा सही है तो भैया पनीर रोल। सो गाइस अभी हम ना उत्तराखंड में थे ऋषिकेश के अंदर और आगे देखो लैंडस्लाइड हुई है पूरी देख सकते हो आप यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ थी सारी वापसी जा रही है वहाँ से घूम के कुछ गाड़ियों ने यूटर्न मार लिया और कुछ गाड़ियाँ वहाँ से आ गई वापसी आ गई हैं। आप एक फॉर्चूनर गई थी वहाँ मोड़ तक वहाँ से वापसी आ गई तो भाई लैंडस्लाइड बहुत तेज बारिश आ रही है बाहर और सारे खड़े हुए यहीं पर ही तो हम भी वहीं खड़े देखो आप ये पत्थर वगैरह सब गिरे पड़े ऊपर से देखो पूरा लैंडस्लाइड हो गया देखो आप पूरी लैंडस्लाइड हो गई ऊपर से वहाँ से तो भाई देखते हैं अभी क्या होता है बताते हैं आपको जैसा भी होगा। तो गाइस देखते हो अब यहाँ से गिरे पत्थर बड़े बड़े वो देखो वहाँ पे बहुत बड़े पत्थर गिरे वहाँ पे ठीक है हमारी गाड़ी खड़ी पीछे तो भाई कुछ भी सकता कभी भी और सेफ नहीं है बिल्कुल भी। बस एक बस निकली है बाकी सारी गाड़ी वाली तो वहीं खड़े रिवर्स ले रहे हैं सारे क्योंकि भाई आगे ना रास्ता बंद हो गया बस वाला आगे निकले वो भी बस मुश्किल से निकले बस वाला तो देखने वाली बात है भाई क्या होता है आगे करते हैं भाई कंटिन्यू ठीक है। फिर वो जो बस है वो अभी निकली है यहाँ से और भाई लैंडस्लाइड ज़्यादा रुकी है गाड़ी निकलना मुश्किल है बस बड़ी है टायर बड़े से निकल गई मुश्किल है यहाँ से निकलना देखते हैं भाई कब तक निकली। ओ माई गॉड देख सकते हो भाई कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे यहाँ पे वो देखो वहाँ से हुए लैंडस्लाइड देख रहे पूरा पार्क टूटा हुआ है वहाँ से लैंडस्लाइड हुई है पूरी पार्क सके है वो देखो पूरा पार्क इसका बिल्कुल जगह नहीं निकलने की। तो भाई फंस गए यहाँ तो पूरा लैंडस्लाइड हो गया पूरा वहाँ तक पूरा ऊपर देख रहे खाली हो गया पूरा पूरा लैंडस्लाइड हुआ है रास्ता बंद ही है ऑलमोस्ट देखते हैं भाई क्या होता है। हम जा रहे पीछे ऊपर से पत्थर गिरना स्टार्ट हो गया ज़्यादा अभी वो बच्चे वो स्कूटर वाले आगे तो भाई ऊपर से लैंड स्लाइड हुई है तो मैं वापस जा रहा हूँ भाई इस गाड़ी में ठीक है कभी कुछ हो सकता है तो मैं रिस्क लेना चाहता हूँ यहाँ पे जब तक क्लीन हो गया तो यहीं वेट करेंगे गाइस बुलडोजर आ गया रास्ता क्लीन हो जाएगा लगभग आधे घंटे में तो चलते फिर गाइस ट्रैफिक जो चलना स्टार्ट हो गया जी जी भी आई थी तो मैं भी थोड़ा बहुत उठा दिया वहाँ से मलबा तो अभी देखते हैं कितनी देर में हम निकलते हैं। सो गाइस अभी ना तो जेजीबी थी उसने क्लीन कर दिया और धीरे धीरे सब चलना स्टार्ट किया ऑलमोस्ट हमें अभी आधे घंटे से ऊपर हो गया वेटिंग करते हुए तो अभी भाई देखते हैं अभी कितना क्या मलबा गिरता है उसको अभी वहाँ पे जो है जेजीबी काम कर रहा है ना तो अभी वो काम कर रहा है जैसे वो करेगा साइड फिर गाड़ी निकलेगी सारी तो भाई ये देखो हो गया साफ है ना सारी गाड़ी निकल रही है धीरे धीरे यहाँ से उसकी लैंडस्लाइड देखो ये ऊपर से पूरा लैंडस्लाइड हो गया था पहाड़ देख लो इतना साफ हो गया पूरा ये पूरा यहाँ से लैंडस्लाइड हो गया आप हटा दिया ना ये रोड पूरी बंद थी ये पूरी रोड ब्लॉक थी ये रोड पूरी ब्लॉक हो चुकी थी लेवल चलती नहीं हटी जल्दी रुकियो मत हाँ वहाँ से पत्थर गिरे थे अभी भी तो गाइस ये देखो ये पूरा यहाँ पे सब कवर हो गया था सब इसने अभी हटाया मलबा चल 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 तो भाई निकल गए बस वाला कैसे लेके गया वो फाइनली ठीक है भाई तो यहाँ ये सारी लैंडस्लाइड थी हमें ठीक है तो भाई फाइनली निकल गया से गिरने लगे अभी ऊपर से ओ भाई चल 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 पीछे गाड़ी है पीछे गाड़ी है भाई ओ भाई लाइव गिर रहा है भाई रिकॉर्ड नहीं हुई गिर गया भाई फिर से ओ भाई लाइव कुछ गिर रहा है देखो तो भाई लैंडस्लाइड लाइव एकदम भाई साहब सही में यार बस चांस की बात है जैसे हम निकले वैसे ही और पहाड़ गिरने चालू हो गए थे भाई पीछे दो गाड़ी फाइनल बची भाई हर हर महादेव। पहाड़ खत्म हो चुके हैं बट यार बारिश ने काम खराब कर दिया बहुत ही तेज बारिश आ रही है तो इसमें से गाड़ी की स्पीड काफी स्लो चल रही है ठीक है तो अभी हम जब हरिद्वार क्रॉस कर लेंगे। सो भाई अभी हम के रास्ते में यहाँ पर पिज्जा है सारे हैं मतलब ब्रांड KFC है पिज्जा हट है
सब कुछ है। तो रूम यहाँ पे गाड़ी जाइए, थोड़ी देर कुछ खाएंगे पियेंगे, सब भी है और भी बहुत सारे ब्रांड थे आगे हम कुछ देते कुछ खाने पे, थोड़ा फिर उसके जाके कंटिन्यू करेंगे। बहुत तेज भूख लग रही थी यार, है ना, तो कुछ खाते हैं। तो आपको यहाँ पे है क्या नाम आपका, क्रिस्टल वर्ल्ड, क्रिस्टल वर्ल्ड वहाँ पे। और भाई देखो सारे ब्रांड है जितने भी फूड के होते हैं सारे हैं यहाँ पे। तो भाई कुछ ऐसे अंदर से अलग अलग इनके आउटलेट्स हैं जहाँ पे जाना चाहें हम जा सकते हैं। इधर भी ज्ञानीज है, बीकानेर है, पिज्जा है, KFC इधर है, सब यहाँ पे है। तो भाई देखते हैं हम क्या खाते हैं। सो गाइस हमने ऑर्डर किया था 200, इसने आकाश ने ऑर्डर किया था पानी पूरी और एक ही हमने थाली ऑर्डर की है। ठीक है, तो भाई ये थाली भी हमने ऑर्डर की है। और क्या ऑर्डर किया था, दो पाव भाजी, और क्या तो हमने दो पाव भाजी ऑर्डर की है। तो ये भाई सारा खाना आ रहा है, लेवल को बुलाते हैं। सुबह से हमारी पाव भाजी भी आ गई है, ठीक है, सब खाना आ गया है। अब हम टेस्ट करेंगे गोलगप्पे और पाव भाजी, और भाई करते हैं स्टार्ट खाना। सुबह से अभी हमारा खाना डन हो चुका, डिनर डन हो चुका है, ठीक है, तो अब चलते हैं। सो भाई नाउ आइसक्रीम टाइम, अभी हम खाएंगे भाई आइसक्रीम। एक बार उसको एक ब्राउनी हाँ बोला तो है। सो गाइस हम ले रहे दो आइसक्रीम। मोहित कौन सी ली तूने, ब्लैक करंट? तो भाई मोहित ने लिया ब्लैक करंट, कौन हम लेंगे कप। ठीक है, हमने कराई एक ब्राउनी और एक बटर स्कॉच। सो भाई आ गया हमारे आइसक्रीम, करते टेस्ट। सो गाइस डिनर हो चुका है, आइसक्रीम आइसक्रीम डन ऑल सेट है। तो यहाँ से अब करते हैं भाई कंटिन्यू दिल्ली के लिए, ठीक है। तो भाई अब करेगा लेवल भाई ड्राइव। ना ना भाई मैंने कर रहा है। नहीं भाई तेरे मैंने भाई। और भाई हमने ना सुबह देनी है करो आपसी 1-12 बजे, बट हम पहुँच जाएंगे अभी 1-2 घंटे में दिल्ली अपने घर पे। तो गाड़ी खड़ी रहेगी तो सुबह देंगे, ठीक है। सर मैं मॉर्निंग यार उस टाइम जब हम रात को उसके बाद भोजा थका हुआ था तो मैं आके सो गया था, ठीक है। तो अभी गाड़ी वापसी देने आया हूँ मैं, ठीक है। तो अभी मैं इनको कार हैंड ओवर करूँ माई चॉइस वालों को, भाई जिनके एक्जीक्यूटिव हैं वो आ चुके हैं, गाड़ी हैंड ओवर कर देंगे इनको और फिर उसके बाद भाई घर चलेंगे, मतलब ऑफिस जाऊँगा यार, ठीक है। तो भाई पूरी गाड़ी अभी चेक कर लेंगे और फिर उसके बाद ले जाएंगे पूरी गाड़ी चेक करके। तो भाई हमने गाड़ी यूज़ करी थी और गाड़ी में कुछ ज़्यादा गंदा हुआ नहीं है, गाड़ी बिल्कुल साफ़ है, जैसी आई थी वैसी ही है। कुछ गाड़ी में हम ना कोई हमने लिक्विड गिरा, ना कोई पानी गिरा, ना सीट्स गंदी हुई, कुछ भी गंदा नहीं है। नॉर्मल जो आप गाड़ी लेके आते हो गाड़ी लेके आते हो, जितनी अंदर से डस्ट होना चाहिए उतना ही हल्का फुल्का है। गाड़ी पूरी क्लीन है, तब भी जो कंपनी हमसे चार्ज ले रही है वॉशिंग चार्ज, अब मुझे नहीं पता भाई किसी का चार्ज ले रही है कंपनी वॉशिंग चार्ज, क्योंकि भाई ये तब होता है जब हमने गाड़ी पूरी गंदी कर दी हो। ये तो नॉर्मल है, इतना तो डस्ट मतलब क्या है, ये मिट्टी है नॉर्मल सी, इतना तो रह जाएगा क्योंकि गाड़ी लेके गए हैं यार हम। उसी चीज़ कंपनी जो है चार्ज लेती है, फिर भी कंपनी इसको भी वो ऐड कर रही है कि जी गंदी है गाड़ी, कहाँ से गंदी है दिखाओ, गाड़ी गंदी है ही नहीं, हल्की फुल्की डस्ट हो तो पैरों से भी आप अंदर हुए ना तो भी उसमें डस्ट रहेगा ही हल्का फुल्का। तो अभी मैं साइन करेंगे और जो चार्ज ले रहे हैं 750 रुपये वॉशिंग चार्ज, तो भाई कंपनी ने सिक्योरिटी दी हुई है तो उसमें से कंपनी में भी डिडक्ट कर ही लेगी, है ना, तो भाई साइन तो करने पड़ेंगे। रोहित नाम बोलो, हाँ रोहित। सो गाइस रोहित को हमने कर दिया गाड़ी हैंड ओवर, साइन वगैरह कर दिए हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा माई चॉइस के थ्रू। और भाई इनके एग्जीक्यूटिव भी सारे अच्छे हैं, जब आए थे मोहित जी उनका भी और रोहित जी उनका भी, नेचर का भी अच्छा लगा मुझे, ठीक है भाई। तो मैं इनको करता हूँ गाड़ी हैंड ओवर और कर दो वीडियो को यहीं पर एंड, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं, थैंक यू, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।